कि चीन में हालात अभी कितने बुरे हैं। देखिए बीजिंग में 70% आबादी ऐसी है जो कोरोना से पॉजिटिव है। बीजिंग के सिर्फ हालात बता रहे हैं हम आपको, 70% आबादी वहां पर। कई देश में कोरोना बेकाबू हो चुका है, कोरोना महामारी अभी पूरी तरीके से खत्म नहीं हुई। इससे पहले एक और महामारी चेतावनी जारी कर दी गई विश्व स्वास्थ्य संगठन के हिसाब से नया कोविड का प्रकोप आ गया है। इससे कि देश में जल्द से जल्द लॉकडाउन लगाने को लेकर आदेश जारी हो चुका है जो कोविड-19 महामारी से भी अधिक घातक हो सकता है। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक WHO प्रमुख टेड्रोस अदनोस ने कहा है कि दुनिया को एक ऐसे वायरस के लिए तैयार रहना है जो कोविड से भी ज्यादा घातक है। ऐसे में बताया जा रहा है कि इसमें लगभग 20 मिलियन लोग मारे गए हैं। बता दें कि हाल ही में WHO ने ऐलान किया था कि कोविड-19 महामारी अब हेल्थ इमरजेंसी नहीं। ट्रेडोस से स्विट्जरलैंड के जिनेवा में हेल्थ मीटिंग में बताया गया कि ये महामारी बहुत ही खतरनाक है। WHO प्रमुख ने चेतावनी दी है कि कोरोना अभी खत्म नहीं हुआ। उन्होंने कहा है कि इसका एक और प्रकोप से उभरने को लेकर खतरा बना हुआ है। भारत समेत देश के कई राज्यों में कोविड का नया प्रकोप है। देश में पिछले कई दिनों से 1000 से अधिक मामले मिल रहे हैं। देश के कई राज्यों में 144 लागू की गई जिस तरीके से मामले मिल रहे हैं। ऐसे में सरकार का कहना है कि देश में जल्द से जल्द लॉकडाउन लगाना चाहिए क्योंकि कोरोना का एक ऐसा प्रकोप है जिससे कि बचा नहीं जा सकता है और इससे कोविड के ऐसे मामले आएंगे जिसमें हजारों और लाखों लोगों की मौत हो जाएगी क्योंकि ये सबसे बड़ा और सबसे खतरनाक वेरियंट साबित हो सकता है।